वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। एक्सेस में क्या खास है, आइए आपको दिखाता हूं। यहां पर देख सकते हैं तीन टेबल मैंने बना रखी है। ये पहली टेबल है और यहां पर ये ड्रॉप डाउन मैंने बनाया है। ये देख सकते हैं ड्रॉप डाउन कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। और फिर ये दूसरी टेबल है, यहां पर रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है। यहां पर आप इस तरीके से देख लें, यहां पर ये रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है। और फिर यहां से जाकर के फिर मैंने लुकअप विजार्ड पे जाकर के फिर ये इस तरह से किया है। तो अभी ये इस तरीके से बना हुआ है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं ये, अब यहाँ पर दूसरी टेबल दिखा देता हूँ। ये दूसरी टेबल है, तो यहाँ दूसरी टेबल में ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, इसे प्राइमरी की बनाया गया है। और ये रोल नंबर यहाँ पर लिया है मैंने ताकि मैं रिलेशनशिप क्रिएट करा सकूं। और ये क्लास जो है एक्स्ट्रा में ये दे दिया मैंने। तो इसको अगर देखेंगे आप तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ा सा ये। यहाँ पर थर्ड टेबल देख लीजिए आप, थर्ड टेबल में इंस्ट्रक्टर आईडी है, इंस्ट्रक्टर का नाम है और ये क्या पढ़ाते हैं वो चीजें मेंशन की गई है। और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन किया गया है। तो जो टेबल टू में रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कुछ इस तरीके से है, वही सेम रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पर भी मैंने मेंशन किया है। अब मैं क्या करूंगा कि इन सब में रिलेशनशिप क्रिएट कराऊंगा। कैसे ये रिलेशनशिप क्रिएट होगी, कैसे ये बिल्ड होगी, आइए आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पर आपको मिलेगा डेटाबेस टूल्स, आप यहीं पे चले जाइए और रिलेशनशिप पे चले जाइए। जैसे जाएंगे तो आपको ये तीनों टेबल्स दिखाई पड़ जाएंगी। देखिए जब भी रिलेशनशिप पर आप, दो टेबल में मैंने बताया था, ये तीन टेबल है, चाहे 10 टेबल में हो, 20 टेबल में हो, कुछ भी हो, तो एक कॉमन फील्ड जरूर रखिएगा आप। जैसे मान लीजिए रोल नंबर का, रोल नंबर से रिलेशनशिप क्रिएट कराना है, तो ये देखिए कॉमन फील्ड है, तो आप ये रिलेशनशिप आसानी के साथ क्रिएट करा सकते हैं। एक चीज और आपको करनी है, ये जो टेबल्स है इनको आपको क्लोज कर लेना है, नहीं तो ये रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होने देगा। तो यहाँ पर चल करके इन टेबल्स को सेव करके और आप क्लोज कर लीजिए, तभी ये रिलेशनशिप क्रिएट। यहाँ पर जाएंगे तो ये इस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। ये वन टू मेनी रिलेशनशिप है, ये देख सकते हैं ये वन टू मेनी रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। अब ये वन है और ये मेनी है, वन टू वन मैंने सिखाया है कि कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर आईडी के लिए कोई दूसरा तो हमने टेबल लिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये क्रिएट नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे लाके रखना है, तब ये रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी इजिली। ये कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पर कह रहा है कि सेम नंबर की फील्ड हमने नहीं ली हुई है। एक बार फिर से अगर मैं क्रिएट कराता हूं तो रिलेशनशिप मस्ट बी द सेम नंबर ऑफ फील्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो रजिस्ट्रेशन नंबर रखा है, यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर रखा है, लेकिन डेटा टाइप शायद अलग हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर नंबर डेटा टाइप है। और यहाँ पर जब आते हैं हम तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर शॉर्ट टेक्स्ट हो गया है, तो इसकी वजह से रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होने लगा। अब ये नंबर कर देंगे हम तो फिर ये रिलेशनशिप आसानी के साथ बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब इसको क्लोज भी कर लेते हैं, सेव करके, ये सेव कर दिया, ये क्लोज कर दीजिए, फिर इसको भी सेव कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए, बस हो गया काम। अब ये रिलेशनशिप बिल्ड कर जाएगा आराम से, तो इसको लाकर यहाँ पे रख दीजिए, बस हो गया काम आपका। इनवॉइस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और ये करके आप रिलेशनशिप क्रिएट करा लेंगे। और रिलेशनशिप क्रिएट कराने का फायदा क्या है ये तो आपको पता ही है। जैसे ही आप टेबल वन पे जाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस का साइन दिखाई पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर अगर आपको पता करना है कि ये रोल नंबर वन जो राम का है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था और क्लास क्या था, तो ये पता चल जाएगा। और अगर इस पे क्लिक कर देते हैं तो आपको इंस्ट्रक्टर को इनको पढ़ाया था टीचर और क्या पढ़ाया था वो भी आपको पता चल जाता है। तो ये फायदा है रिलेशनशिप क्रिएट कराने का। इसी तरह से अगर श्याम पे जाते हैं आप तो यहाँ पे देख पाएंगे कि श्याम का जो रोल नंबर है वो 2 है और रजिस्ट्रेशन नंबर 112 है, क्लास 12 में पढ़ते हैं ये। और यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इंस्ट्रक्टर आईडी 1002 है मिस्टर श्याम, जिन्होंने इनको फिजिक्स पढ़ाया है। तो ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। और भी इस पर वीडियोज मैंने बनाए हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 के ऊपर वीडियो है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।